बजाज का आरएस का ओरिजिनल स्पॉकेट लगाने के बाद पावर फील हो रही है यार, क्या पावर है भाई। अभी टेस्ट भी नहीं कर सकते यार क्योंकि गली है, बट मुझे व्हील पता है व्हील पावर को ना सह नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है। सही में गाइस लग रहा है ना कि नया स्पॉकेट लगाने के बाद व्हील पावर को सह भी नहीं पा रहा है, और मैंने वॉश भी करवा लिया गाड़ी को, सही में व्हील एकदम सह नहीं पा रहा है। अरे क्या मैं क्या बोलूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक गाड़ी क्या ये 200 है क्या? तो भाई 200 है क्या ये? सो ये सामने जेसीबी है, चलो कोई नहीं यार, रोड पे हाईवे पे जाते हैं यार, पावर मुझे फील हो रहा है यार, और स्मूथनेस गाड़ी का स्मूथनेस सबसे ज़्यादा स्मूथनेस फील हो रहा है गाइस, लेकिन पावर तो यार कतई ज़्यादा फील हो रही है यार। और पानी से मुझे दूर रहना है क्योंकि ग्रीस लगा हुआ है, तो मुझे पानी से भी दूर रहना है गाइस, तो देखते हैं अभी हमें तो इधर ही निकलना है। तो थोड़ा उससे शॉप वाले बोले, और पावर बहन चोद ये क्या चल रहा है गाड़ी भाई, मैं ये चल क्या रहा है भाई गाड़ी, ये माँ कसम से भाई ये मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, माँ कसम भाई क्या पावर है भाई, व्हाट अ पावर ब्रो, माय गॉड मैंने क्या बना दिया है गाड़ी को, कसम से बोल रहा हूँ भाई, कसम से मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, आप लगवा लो एक बार यार। इंस्टॉलेशन वीडियो डाल दी, फिर मैंने टेस्टेड करके डाल दी, आप सब वीडियो देखो और एक बार लगवा लो, फिर वो आपको पता चलेगा, फिर से पता चलेगा पावर क्या है। ओ भाई ये क्या है, माँ कसम बहन चुकुत क्या पावर है भाई, कति आपको फील आएगा भाई, ये 160 है भाई, ये 160 है। बस जल्दी से हाईवे पे चलते हैं गाइस, फिर आपको दिखाता हूँ गाली तेरा भाई, ये इतना एक्साइटमेंट हो रहा है ना भाई, ये तो पिछला बार जब टेस्ट किया था ना उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है ब्रो। मतलब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, शुरू से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मैंने टेस्ट किया पुराने पे ठीक, उसके बाद मैंने टॉप स्पीड टेस्ट किया तो उसके बाद सक्सेसफुल हुआ 132 ठीक है, उसके बाद मैं नया लिया तो पुराने में मुझे 1000 रुपये लग गया ठीक है, और ये नए में 2300 का ये लग गया, 200 रुपये फिटिंग करवाई, एंड आपको मतलब 100 रुपये होल करवाना, ये सब मिला के आपको 2600-2700 रुपये लग जाएगा, मैं अगर टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो ये करवाना है आपको तो। लेकिन पावर आप बोलोगे भाई ये क्या है, पावर बोलोगे भाई ये क्या है भाई, ये टेस्टेड है भाई, ओ भाई सीरियसली ब्रो, माय गॉड बहन चोद चल क्या रहा है भाई, डैम आपने देखा भाई ये पावर भाई कुछ अलग लेवल है, ये अब अलग लेवल है भाई पावर, इसको आप समझ भी नहीं पाओगे भाई, इतना पावर दे रहा है ना निकाल के, मतलब सीरियसली नए चैन सेट के बाद ये पावर पिछले वाले से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है यार, बहुत ज़्यादा, और एकदम स्मूथनेस तो गाड़ी में क्या पूछने की बात है यार, स्मूथ तो बहुत ज़्यादा हो गई यार, मतलब पैसा बिल्कुल वसूल है यार भाई, ये अपनी माँ ना चुदवाए ना तो मैं कर लूँ। सो यहाँ पे ट्रैफिक है, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। सो भाई ऐसा करते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ सोच देख सकते हो भाई, अभी धुलवाइए गाड़ी, गंदी होगी क्योंकि होगी ही यार। सो अभी हम ए वाले रोड पे चलेंगे और फिर इस पे टेस्ट करेंगे कि क्या होता है, तो आई एम डैम एक्साइटेड मैन, सो देखते हैं। सो गाइस हम मतलब कि सेम ही है, मतलब स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आया लेकिन सेम ही है, लेकिन परफॉर्मेंस जो फुल होती है ना वो गाइस नए स्पॉकेट के बाद ना बढ़ गया है, आप देख सकते हो नए स्पॉकेट के बाद फुल, देखो भाई ये क्या चल रहा है भाई, 10 तक जा रही है भाई, अभी भी मैं टॉप स्पीड चेक कर दूंगा क्या, नहीं यार सामने पैच आ गया, सामने अगर खाली रहता तो मैं पक्का चेक कर देता गाइस, लेकिन सामने पैच आ गया इसीलिए स्लो स्लो स्लो, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इस वाले हाईवे पे आएंगे देन मैं आप लोगों को टेस्ट करता हूँ नए वाले का अंदाज, और क्या चल रहा है भाई, क्या लग रहा है भाई, खतरनाक भाई, कोई नॉइस नहीं, आप वो कट करके वो जो चैन पॉकेट का कवर रहता है जो फ्रंट का वो आप कट करके लगाओगे ना तो आपको मतलब कि कोई नॉइस नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट फिट होगा, उसके लिए आपको तो मैं वीडियो में डाल रखा हूँ, तो आप वो वीडियो चेकआउट करना, इंस्टॉलेशन वीडियो आप चेकआउट करना, आपको सही में पता भी नहीं चलेगा यार मैंने आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया यार, अब टॉप स्पीड बढ़वा दी, इंस्टॉलेशन वीडियो डाल दी, तो प्लीज़ यार ये सब देख के बस एक सब्सक्राइब बटन तो बनता है यार, ईजी है यार, आप लोगों का बस प्यार चाहिए यार, और भी बहुत सारे मोड मैं करूँगा तो बस आपका प्यार चाहिए, और तो भाई गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो गई यार, बिल्कुल स्मूथ जैसे लग रहा है ना कि क्या चल रहा है, और ब्रेकिंग तो भाई
इस गाड़ी की ब्रेकिंग तो भाई कोई मैच ही नहीं कर सकता भाई सीरियसली। सो क्या पुल है भाई, नेहा स्पोकेट के बाद क्या पुल है भाई, और क्या चल रही है गाड़ी भाई, पति दहार रही है गाइस, चार गियर में आप देखो 110 जाएगी, 110 चार गियर में, 110 समझ सकते हो आप, 117 से पार होगी भाई, अब क्या चाहिए, 117 पहले जाती थी, अब तो 117 से पार होगी, अब क्या चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए यार इंसान को लाइफ में। जब ये गाड़ी, मैं कभी सोचा नहीं था कि ये गाड़ी मतलब कि ऐसे जाएगी, क्योंकि लिमिटर आता था तो इसकी वजह से, लेकिन अब 117 के पार जा रही है, और वो भी पुल भी, मतलब पुल भी और सब कुछ सेम है यार, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वो भी थर्ड गियर में आपको, बस सब कुछ सेम है गाइज, सब कुछ एवरीथिंग इज सेम गाइज। सो अभी हम चल देते हैं इस वाले रोड पे, सो गाइज आ जाते हैं, क्या बोलते हो, चेक करवा दूँ आप लोगों को टॉप स्पीड फिर से करवा दूँ चेक, सो लेट्स गो। देखो दो गियर 65, तीन गियर देख सकते हो, चार गियर में 110 हो जाएगी, 110 116 17 18 बस खाली पैच मिलेगा गाइस, इसके बाद मैं टॉप की रात को चेक करवा दूंगा, इसके बाद खाली पैच ही है। तो बाइस आप देख सकते हो, बाइस इतना मुंडी कर करना पड़ेगा तभी आपको देख सकता हूँ, तो बाइस 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 तो अभी चलाइए आगे, आप करना गाइस स्पीड देखो, और आप देखो स्पीड देखो गाइस, हवा भी नो स्पीड बहुत है गाइस, स्पीड देखो आप 30 से 35, अपनी माँ चुटवा ली है, नहीं तो मैं और चेक कर देता, कोई बात नहीं आगे और पैसे तो और चेक करता हूँ गाइस। तो 31 तो एकदम नॉर्मल है, 31 नॉर्मल है इसके लिए अब, और पुल और स्मूथनेस, मतलब अब सोच में नहीं सकते क्या स्मूथनेस है यार गाड़ी की, और ये अपनी माँ चुटवा रहे हैं भाई, बहन से रोकना ही नहीं है तो, और पुल और स्मूथनेस देख के बताऊँगा भाई मैं, अभी आप लोगों को देखता हूँ दिखाता हूँ, लेट्स गो लेट्स रेडी गो। तो 111 यू नॉर्मल है, ये बम्प है गाइस, मतलब हम लोग ड्राइवर पे चल गए 117 आप यार सीन चल रहा है, और कल माइलेज टेस्ट में डालूंगा विथ स्पॉकेट में माइलेज टेस्ट डालूंगा, तो आप वो भी देखना, तो विथ स्पॉकेट के बाद कितना माइलेज आ रहा है तो ये भी देखना आप लोग। और ये रहा एक प्यारा सा लीन करेंगे गाइस, प्यारा सा मतलब बहुत ज़्यादा हल्का लीन है, बट बहुत ज़्यादा प्यारा लीन है यार, देख सकते हो, हो क्या प्यारा लीन है यार। चलो रुकते हैं सामने, फिर आपको गाड़ी शो करता हूँ, क्योंकि ये वाला जो हाईवे है ना इस पे गाइस ऐसा सीन है ना कि मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आती, ये हरिद्वार का हाईवे है पानीपत के जस्ट, आप जैसे निकलोगे ना तो ये हरिद्वार वाला हाईवे मिलता है, और इस पे भी हम स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, बट इस पे ज़्यादा बम वगैरह ज़्यादा है इसीलिए। तो आगे चलते हैं, चलो एक बार आपको मैं स्पीड टेस्ट इस पर भी कराता हूँ, तो देखते हैं कितना जाते हैं, क्योंकि सामने से विंडक्रॉस नहीं है तो देखते हैं,
31 पे कंटिन्यू चल रहा है, अब क्या चाहिए यार। 31 पे कंटिन्यू चल रहा था, अब यहीं पे रुकते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पेट्रोल ब्लिंक कर रहा है। तो डेट्स वाई आप लोगों को रोलिंग स्टॉप ही दिखाता हूँ गाइस। सो देखो, देखना आप रोलिंग स्टॉप ही नहीं लगी। सो अब रुकते हैं, अब आपको गाड़ी दिखाता हूँ। सो अब देखो, सो गाइस ये रहा अपना स्पॉकेट, देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट तरीके से। और ये रहा चैन, ठीक है, मतलब इतना लूज तो रहता है चैन गाइस। एंड अब देख सकते हो कोई इशू नहीं, कोई वो नहीं। एंड इधर से आप लोग, इधर से गाड़ी नहीं आ रही ना, सो ये देख सकते हो NS 160। तो ये रही अपनी बीस्ट जो अब जाती है 132 131 132 जो भी कह लो, बट ये जाती है अब। विंड ब्लास्ट में वेरी करता है कि आपको कैसा विंड ब्लास्ट मिलता है एंड ऑल। सो आप चैन देख रहे हो, चैन कति खतरनाक लग रहा है। आप लोगों को मैं एक बार दिखा दूँ, बड़े स्टैंड पे करके दिखा दूँ भाई। सो ये रहा बड़ा स्टैंड, और फिर मैं आपको इधर से दिखा दूँगा, अगर आपको दिख रहा होगा विजिबल होगा तो गाइस ये देख सकते हो चैन लग गया है अपना ये। एंड और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है यार, लुक तो बहुत बढ़िया आ रहा है एंड गाड़ी का भी लुक बहुत अच्छा आ रहा है। सो यही रहा आज का वीडियो गाइस, जिसका भी माइलेज टेस्ट मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा 41th विथ NS का माइलेज। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।